सबको मेरी राम राम। विक्की देशवाल नाम है जी, छोटा कसेवा। हम इकरा बहन जी के साथ निकल रहे, वोट के लिए ही निकले, और माननीय चौधरी साहब जयंत चौधरी जी ने ही सबसे पहले इनका नाम प्रस्तावित करा था। तो हार जीत जो भी होगी वो अपनी ही है, और अपना समझ के चुनाव को कैच कर चलो। ज्यादा बात तो हमें कहने की जरूरत भी नहीं है, सब सभा बता क्या चल रहा क्या नहीं। सत्तानवे छप्पन सारे मिलकर इस चुनाव को पार लगा लो। अपना ही चुनाव है, घर का चुनाव है। जितने बड़े हैं हमारे सारे, उन्होंने तो पहले भी देख रखा ये परिवार कैसा है, उन्हें ज्यादा पता हमारे से भी, बब्बा जी हर को पता। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही दरखास्त कर रहा हूँ, मैं तो छुट्टा होने के नाते जितना हमारे पास हो सका उतना हम अंगल लगाओगे, जितना तेरे पास हो सका तुम लगाओ। और एक बार ठान लाए फिर तो गाड़ी पार करके ही हटेंगे, है कि नहीं? रही काम की जिम्मेदारी, काम में तो कोई कमी ना तो पहले छोटी ना ही करे भाई। एक ही कंडीशन है, अगर वाजपेयी मान लो बिल्कुल ही वो करेगी फिर तो हम नू भी नहीं कह सकते भाई, अब भाई काम नहीं हो रहा। और करेगी जरूर वो, रुकावट भी या रुकावट भी आवेगी हमारे सामने। हाँ बट नू है, हम सब जाना ही परिवार ऐसा है, वह डरने वालों में से नहीं है। और अब कुछ जो उनसे युवा साथी जुड़ रहे हैं भाई, जैसा हम जुड़ रहे जितने भी हमारी क्षमता है, हम डरने वालों में से नहीं है, या कौम ही नहीं है डरने वाली, ना डरना मैं किसी तरह। तो सारे अंगा लगा के एक बार इसे ऊंट से को बाहर काट लो, बाद में आपस में बैठ कर फिर देख लेंगे, वो तो काम तो हम ले ही लेंगे, ठीक है ना? चाहे भाजपा भी लाना पड़ेगा, वो इसी सरकार हो काम काटना तो हमारे पास ज्यादा बढ़िया हुआ है। अरे आपने सबने देखा भी होगा, मिल में भी धरना चला। सरकार क्या चाहो, क्या पेमेंट नहीं कर सकती क्या गन्ने का? कितने क्या 235 करोड़ ही तो है। जो उनसे भर्ती सी काट दी थी, इसके फॉर्म की फीस और जितने कैंडिडेट ने भरा था 2 अरब के आसपास पैसा बैठा है। ये चुनाव था पहले ही होना था कैंसल, सोच कर देखो। एक छोटी सी बात है यार, चुनाव था पहले ही कैंसल होना था, गया इतना पैसा कहाँ गया? अगर पेपर कैंसिल हो गए पैसे अकाउंट में वापस गए ना, रिफंड कर दो सारे भाई। कोई बाजार में सामान खरीदने जाओ, अगर वो सामान नहीं पसंद है वापस करो तो पैसे तो वापस मिले। यह कहा की व्यवस्था है, कहला का पेपर ही भरा गया, कैंसल भी हो गया और पैसे भी वापस नहीं आ रहे। इतने इतने का तो ब्याज बैठ जाएगा उनका, ना किसान का गन्ने का पेमेंट आता, कुछ नहीं होता। 100-200 करोड़ रुपए सरकार के लिए कुछ नहीं है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। जितने भी किसान भाई है, मारे तो बाबा अर्ना करी थी खेती, मैं तो वैसे ही तो मैं कह दू भाई हम तो खेती करी नहीं। मेरे चाचा जी एक बार हुए तो गांव में आकर उन्होंने तो फावड़ा पकड़ा दिया था, तड़की था सांझ लोग का पसीना आ गया था, पूरा बुखार चढ़ गया था। अगले दिन मेरा तो बगा भाई यू चुना करवा भाई, या तो पहले ही मटाते पैदा होते, कहने लगा यू चल ये पहले तो हमने पढ़ा दिया था ऑस्ट्रेलिया, ये जाकर मेरे हाथ में फावड़ा धर दिया था हमने, यू को खर्चे लगा गाँव। तो किसान का तो बहुत मेहनत का काम है, और वो मेहनत भी अगर उसका भी हमें वो नहीं मिल रहा तो फिर फायदा क्या ऐसी सरकार का? भाजपा तो शुरू था लेगा, आज तक का इतिहास ठहलो किसान विरोधी सरकार है। अगर वहां वो धरना ना हो दिल्ली में तो भी बिल भी पास हो गए थे, बंधुआ मजदूर की ढाल काम करना पड़ता। मैं जोन सा चौधरी चरण सिंह जी ने जो एहसान कर रखा वो नहीं भूलने जाने का हमारे पास कभी भी। वो तो चाहे कोई सी सरकार आ जाओ, हम चाहे किसी पार्टी में रह लो, यू एहसान है वो मानना पड़ेगा। इनका बंधुआ होते आज हम सारे, जोन से आज हम उन छुपा था देगा तड़की चला ना पंटे पे आकर मोटरसाइकिल पर बुलेट पर फटर फटर, या उन्हीं की देन है। अगर इतनी बात भी मरी समझ में नहीं, मैं तो सारी जीवन भरी मेरे ख्याल से पार रहा, मेरे पिताजी आर्मी में थे तो मुझे ही इतनी बात पता। तो इस चीज को हमें सोचने की जरूरत है, कौन हमारे पक्ष में काम कर रहा, कौन विरोध में काम कर रहा। अगर जो से भी मान्य सांसद महोदय जी हमारे प्रदीप चौधरी जी सांसद भी है, मौजूदा सरकार भी है, सेंटर में भी खड़ी है, घर में फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना? मजा तो टूटा उठाऊ की बहू नहीं ना देखी हो शायद, पता नहीं कहा है तुमने तो नहीं देखी उस टाइम बोलो को लोगों देखा है भी कहीं मैं, कोई तो पता होगा उसका कहीं घर में मिला है या कहीं तो मिला है आदमी, ठीक है ना? नू थोड़ी एक बार अंतर ध्यान हो जाए बीच में गायब हो जाओ। इन लोग का चुनाव में आ गया, चुनाव में आया लोग तो फिर मोदी और योगी के नाम पर वोट है, वो तो मादी बेकूफी है, अगर हम उसे दे देंगे तो
अरे नहीं मानते हैं हम तो अजी बहुत बहुत और क्या है नहीं बहुत बहुत अच्छी बात है। इस बार इधर काट गए अड़िया गड्डी सी पार काट लो, ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दियो, और बाद में चाहे एक बार हो गए काम घूम तो हम आपको ले लेंगे फिर। वो तो भाजपा को तेरा खैच कर लिया होगा, काम देना पड़ेगा उन्हें। नहीं फिर तेरा अधिकार है, काम तो करेंगे, हम तो करेंगे और क्या है, पहले से करते हैं ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। लो जी बेटा कोई दिक्कत वाली बात है, तेरी गैल रहेंगे ठीक बेटा, और जी जान से वोट देंगे, कोई दिक्कत ना मानिए, और दिखा बत्ती हम जानते ठीक बेटा।